प्रैंक हो गया सबके लिए। कैसा लग रहा है? पहले इलिया को भड़काया, उसके बाद फिर मेरी बीवी को भड़काया उसने। हाँ, हेलो गाइस, वेलकम ब्याक माय युट्युब च्यानल। आई होप तपाईँ सबैजना सन्चै हुन्छ र म पनि सन्चै छु। हाइलाइट हेरेर तपाईँ थाहा पाउनु भएको छ सुरेश आर्यको। सुरेश भाइले अहिले आएर यो हामी सबै प्राइम गरेको भनेर भन्नुहुन्छ। जो कतिको जाहिर छ तपाईँले कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ र उहाँले कसैलाई दोष लगाएर जानुपर्छ यसको बारेमा, यो ठिक हो या गलत हो, यो पनि तपाईँले सबैले कमेन्टमा लेख्नु सक्नुहुन्छ। र उहाँ आलिया प्रति यति दिवाना हुनुभएको छ र उहाँले जुन आलियाले गल्ती गरेको नि उहाँले के अरे हामीले प्राइम गरेको भनेर एउटा सोसियल मिडियामा भनिरहनुपर्छ। यति के अरे सोसियल मिडियामा भन्नुभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो पहिले उसले हेर्नुपर्छ कुन स्तरको कलाकार हुन्छ भनेर। यसरी कसैलाई भ्रममा पार्नु पनि गलत हो। त्यही पनि तपाईँले भिडियो फुल हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ उहाँले कसरी यो आफ्नो तारिफ गरिरहनुपर्छ, यो सही हो गलत हो तपाईँ सबैले कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। र उहाँ भन्दा पनि खुसी भिडियो भन्दै आलिया र सुरेशको भिडियो राख्नु भएछ। आलिया त छैन, सुरेश भाइको बस भिडियो छ। ऊ सुरेश भाइको भिडियो राख्नु गएर चाहिँ हेर्नुहोस् कस्तो छ। तुम लोग जीत गए। यो जीत गएको मतलब चाहिँ के हो? एक नंबर की झूठी, कभी नहीं बोलता था ऐसा, अभी बोल रहा हूँ। पता नहीं क्या क्या बातों का बतंगड़ बनाते हैं। और बहुत खुश हो रहे हैं, देख तेरे से मुझको कोई लेना देना भी नहीं। लेकिन तुम जो बक 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 कर रहे हो ना, खुशियां मना रहे हो ना, तुम्हारी खुशी मेरी जूती के नीचे। सच बोल रहा हूँ, जितने भी लोग खुश हो रहे हैं ना, अपना कुछ है नहीं, मतलब अपना कुछ करने का है नहीं। दूसरों का क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस आज से बोलना बंद नहीं किया। देख मधुमक्खी, बोलना बंद नहीं किया तो कसम से मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा, कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ झूठ बोलते ये, समझे? सब कुछ झूठ बोलते। पहले भी क्या किया इलिया को, अपने बात में लगा के मुझसे दूर किया और अभी भी आ रहे हैं। दिल नहीं भरा क्या खाने के लिए आ रहे हो? देखो जो कुछ भी बकवास कर रहे हो ना, बंद करो, नहीं तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सच में धमकी समझो, कुछ भी समझो, ये है, समझो बात को। बाहर से चिल्ला रहे हो ना, बाहर बैठकर अपना चिल्लाना बंद करो। कौन क्या है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अभी भड़का रहे लोगों को, भड़का रहे यार, भड़का रहे। मैंने ऑलरेडी सीज़न उमर क्या कह दिया, सब लोग हैं देख गया ऑलरेडी। में भी जा के सुनते हो ना, तुम लोग जा के बी इज व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तुम लोग आगे भी पता चल गया ना क्या हो तुम, हम लोग क्या सोचते हो।
जो भी है मैं देख रहा हूँ, जो जो भी है यहाँ भी है, वो भी है, यहाँ भी है, जो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सच में गलत कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। नाम लेके बोलूँगा, उसने भी नाम लिया है, मैं नाम लेके बोलूँगा, अच्छा नहीं। उहाँले होइन आफैले बुझ्नु होला, यहाँ नेपालमा पनि छ बाहिर पनि छ भने चाहिँ आफैले बुझ्नु होला, कोहीलाई भन्दै हुन्छ यो कतिको जायज छ। उहाँले भन्नु चुपचाप अपनी काम से काम रखो, वरना ठीक नहीं होगा, सच बोल रहा हूँ। और जितने लोग उधर जाके सुनते हैं उसको सपोर्ट करते, कसम से लानत है तुम लोगों को भी। समझ में नहीं आया जे जस्तो पनि तर मेरो सिंगर बजे वा मेरो बेस्ट हुनुहुन्छ के एकदम मलाई मन पर्छ। भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलके कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता कुछ भी। कौन अलरेस एक फीलिंग्स है, फीलिंग सबके अंदर है, ये कभी भी नहीं टूट सकता ना छूट सकता है। सबके दिल में जिंदा है, सबके दिल में जिंदा है, मेरे दिल में भी है। मैंने बायो से क्या हटा दिया ऑलरेस फॉरएवर, इसका मतलब ये है कि मेरे दिल से हट गया। इसलिए तो मैं जिंदा हूँ, देख रहा था लोगों का करतूते, कलाकार हुन्छ सम्मानित कलाकार हुन्छ यति राम्रो हुन्छ यस्तो भयो भने उहाँको छविमा धेरै दाग लाग्छ क्या। और सबके दिलों में जिंदा है, कोई भी छोड़ नहीं सकता है ना। नेपाली में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सब लोगों को समझ में आए, अलरेस में दो लोग हैं, दो लोगों के नाम से जुड़ा है ये सारा, तो शुरू से लेकर आज तक बहुत दुश्मन आए, अपने घर में भी बहुत दुश्मन हो गए, बाहर की तो बात ही छोड़ो, दूसरे की भी बात छोड़ो, दूसरा जो है ना उसकी भी बात छोड़ो, वो तो है ही। दूसरे की बात छोड़ो, बहुत उनका, उन लोगों का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा कभी भी, ना इलिया ने ना मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी पता नहीं किस बात का जलन लेके आते हैं और पार्टियां मनाते हैं और खुश होते हैं। बाप रे बाप, ये एक फीलिंग्स है, वो तो बात सही है, कभी खत्म नहीं होगा। जो इस फीलिंग्स को टूटाने की कोशिश करेगा वो खत्म हो जाएगा। मैं नहीं छोड़ने वाला उसको, सच में। पहले चुप था, बहुत चुप रहा हूं, अभी चुप नहीं बैठूंगा, चुप नहीं बैठूंगा, करके तो देखो। अब सबका हिस्ट्री है मेरे पास, कौन कौन लोगों ने बुरा बोला है सबका हिस्ट्री है। अब से बाहर बैठ के बोलना बंद करो तुम, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम अपने घर संभालो, अपने हस्बैंड संभालो, बैठो,
पैसे कमाओ, अपना काम करो, दूसरे की बात तो सही हो, वो बात तो सही हो, फैमिली पे फिर से भड़काने के लिए मत आओ, समझे? बक 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 करती हो क्या है मतलब? तेरे बारे में हमने कुछ बोला क्या कभी? फिर भी बक 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 करती हो। अब बक बक किया, कसम से मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। फिर मरूंगा तो भी अलरेस दिल में लेके मरूंगा। बायो में हटाने से दिल से हट जाएगा क्या? अब देखो बायो में जाके है, इधर है, दिल में है, कैसे हटेगा? कल एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया तो सब लोग खुश होने लगे। जब तक सांस है तब तक अलरेस को बचा के रखूंगा। जब तक सांस है तब तक आस है। सबैको दिनमा तपाईँ दुईजना बसिसक्नु भएको छ, मत रो आप लोग, मत रो। सबके दिल में है, मेरे भी दिल में है। देख रहा था मैं सबको, क्या क्या करते हैं ये लोग, क्या क्या करना चाहते हैं। प्रैंक हो गया सबके लिए, कैसा लग रहा है? तर हजुरहरूलाई धेरै नेपालीहरूले नेगेटिभ सोध्नुहुन्छ तपाईँले। अच्छा लग रहा है, आई एम सो सॉरी। तुम लोगों का खुशी जो है, जो हेटर्स का खुशी है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। आई एम सो सॉरी, आज ख़त्म हो गया। आई एम सो सॉरी। कहो, तुम भी कहो ब्रोड पे, हम भी कहेंगे ब्रोड पे। क्या क्या कह रहे हो, क्या क्या झूठ बोल रहे हो हमारे बारे में, कौन कौन सा कचरा लेके भरे हो मन में, है ना? हम भी कहेंगे, यही कहने के लिए आया हूँ। इसलिए बस यही कहने के लिए आया हूँ, उत्पटांग बातें बाहर बैठ के मत करो। मैं तुम्हारा नाम लेके बोल रहा हूँ, है ना मधुमक्खी? ज़्यादा हो रहा है, कसम से, पहले भी बोला, अभी भी ज़्यादा हो रहा है। हाँ, निशान से ज़्यादा। पहले इलिया को भड़काया, उसके बाद फिर मेरी बीवी को भड़काया उसने। हाँ, कहीं का नहीं छोड़ा ना, फिर आ रहे हैं। अभी मैं अकेला हो गया तो फिर आ गए हैं, फिर बुरा बुरा हेड फैलाने के लिए आ रहे हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब नहीं सहेगा मैं किसी को नहीं सहेगा। मुझे कोई लेना देना भी नहीं है तुम लोगों से। अब देखो, ऐसे ही जलील हो गया हूँ सबके सामने, अब क्या बचा है? लेकिन मैं सबको लेके डूबूंगा भाई, समझे? बंद नहीं करेगा,
तो अच्छा नहीं होगा, समझे? कुरा त सही पनि छ हाम्रो सुरेश भाइको, कसम से बोल रहा हूँ। बंद करो, बंद करो ये सब, अपना काम करो। प्लीज बहुत ज्यादा हो रहा है सब लोग, एक एक करके मैं सबका नाम बताऊंगा फिर। ज्यादा बनने के लिए तो ज्यादा हो रहा है, प्लीज ज्यादा मत हो। ओके प्लीज अब हल्के में मत लो मुझे, खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है अभी, खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं नहीं डरता, वो बात तो सही है, मैं नहीं डरता, याद रखना सब लोग। अच्छे को अच्छा बिहेव करूंगा, बुरे को उससे भी बुरा बिहेव करूंगा, प्लीज ध्यान में रखना ये बात। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सबको लेके डूबूंगा भाई, समझे? बहुत तमाशा हो रखा है टिकटॉक पे, ये कहने के लिए आया था। बाकी मेरा प्रोग्राम है इराक कुर्दिस्तान पे, अक्टूबर क्या था, अक्टूबर 11 तारीख को है प्रोग्राम है, उधर आना है ना। जो जो भी कुर्दिस्तान सुलेमानी में है वहाँ आना और दसई मना के जाना सब लोग, सबको यही कहता हूँ। पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को और नेगेटिव से हम कहेंगे, नाम लेकर कहेंगे, कुछ भी हो जाए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। कस्तो लाग्यो गाइस तपाईँहरूलाई हाम्रो सुरेश भाइको जुन कुरा थियो ट्विटर लाइफमा, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। र कतिले सबैले उहाँलाई मन पराउनु पर्छ भन्ने पनि छैन र नमन पराउनु भन्ने पनि छैन, उहाँको फलोवरहरू पनि धेरैले मन पराउनुहुन्छ र कतिले नमन पराउनुहुन्छ। उहाँको कति कुरा सही पनि लाग्यो मलाई, कति कुरा यसमा गलत पनि छ। र अब जति माथि स्टेज चढ्नुहुन्छ त्यति नै अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ, त्यो सबै थाहा हुन्छ। नेपालको हुनर सिङ्गर हुनुहुन्छ र उहाँको भविष्यको लागि हामी सबैले कामना गर्छौँ र उहाँले सधैँ राम्रो पक्षमा बोल्नुहोस् र राम्रो काम गर्नुहुन्छ। र यो भन्दै हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो, राम्रो राम्रो कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई मनमा जे लाग्छ त्यही कमेन्ट गर्नुहोस्, जस्तो तपाईँको मनमा छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु भन्दै। र यो दसैँ सुरु भइसकेको छ, दसैँमा राम्रो राम्रो कपडा लगाएर मिठो मिठो परिकार बनाएर खाने चलन जानु नेपालीहरूको, र हाम्रो सबै नेपालीहरू विदेश स्वदेशमा विदेशमा बस्नेहरू सबै आफ्नो घर आएर आफ्नो फ्यामिलीसँग राम्ररी दसैँ मनाउनुहुन्छ। मलाई दसैँको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र आजदेखि दसैँ सुरु भइसकेपछि टिका लगाउनेहरू मनोरञ्जन भइरहेछ भन्दै हामी परदेशीहरू त अब त्यो दसैँ चाडबाड भन्नु ठिकै छ, त्यही पनि हामीलाई खुसी लाग्छ, आफ्नो देशको चाड हो, सबैलाई रमाइलो लाग्छ। यही भन्दै हजुरसँग बिदा लिन चाहन्छु। जय नेपाल हजुर।